हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस साल मैंने एक एनीमे देखा जो कि मुझे इतना क्यूट लगा और इतना अमेजिंग लगा और इतना डायनेमिक लगा कि उसके कोई हद ही नहीं। अभी इस एनीमे का नाम है स्पाई फैमिली। अब इस एनीमे के बारे में मैं बताऊं तो कि अलग अलग जगह से ना इसके रिकमेंडेशन मुझे आए जा रहे थे। यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ तो साइड में आ रहे कि स्पाई फैमिली में ये हो गया वो हो गया, तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा, कोई भी एनीमे इतना भी कोई खास होगा नहीं क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नए एनीमे आते ही रहते हैं और जो टॉप नॉच वाले होते हैं वो ज़्यादातर मुझे पता ही रहते हैं, पर स्पाई फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता था। तो अब मैं कुछ अपना मोबाइल चला रहा हूँ, उसके अंदर जो न्यूज़ आती है उसमें भी यू नो स्पाई फैमिली वॉज देयर, एंड एनीमे वेबसाइट पर किसी पर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर भी था। तो मैंने कहा भाई अब इसको देख ही लेते हैं, इतना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसका क्या है कि दो पार्ट हैं इस एनीमे के, पार्ट वन एंड पार्ट टू। बेसिकली साल की स्टार्टिंग के अंदर इसका फर्स्ट पार्ट एयर हुआ था, तब मैंने नहीं देखा था जब वो एयर हो रहा था, पर जब मुझे पता लगा था तो ऑलमोस्ट सारे एपिसोड आ गए थे, तो मैंने उसको बिंज किया था। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट को। अभी करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसका सेकंड पार्ट चल रहा है, 4 या 5 एपिसोड आई थिंक आ गए हैं एंड डब वाले भी साथ ही साथ आ रहे हैं। तो अब जब मैंने इसका यू नो 3 से 4 एपिसोड देखे, मतलब पहला एपिसोड ही मैंने इसका देखा, मैं इतना इन्वेस्टेड हो गया, इतना इंट्रीक्ड हो गया। मैंने कहा भाई ये शो तो अलग ही निकला, इसमें तो कुछ और ही चीज़ चल रही है, क्योंकि इस शो के अंदर जो डायनामिक है ना पूरी स्टोरी का वो इतना क्रिएटिव है और इतना इंट्रीगिंग है कि उसकी कोई हद ही नहीं है। अब मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसमें क्या है कि एक डिटेक्टिव है, उसको दो देशों के बीच में लड़ाई रुकवानी है, पीस एस्टैब्लिश करना है। ठीक है ना, और ये काफ़ी तगड़े टाइप का डिटेक्टिव नहीं सॉरी स्पाई है, ये काफ़ी तगड़े टाइप का स्पाई है बंदा। जो स्पाई है उसका नाम है लॉयड। तो लॉयड को उसके ऑर्गेनाइजेशन ने टास्क दिया है कि यू नो यू हैव टू एस्टैब्लिश पीस बिटवीन दीज टू नेशंस एंड यू नो यू हैव टू गो इनटू द टाउन, लिव अ नॉर्मल लाइफ, गेट अ वाइफ, गेट अ बेबी एंड देन टेक दैट बेबी, उसको तुम स्कूल में डालो, स्कूल में डाल के जो दूसरे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है या मतलब जो भी इम्पोर्टेंट बंदा, उसके बच्चे के साथ तुम अपने बच्चे की दोस्ती करवाओ, दोस्ती कराने के बाद तुम उनसे रिश्ता बनाओ और रिश्ता बना के यू नो यू गेट द वर्ल्ड पीस डन। टेक्निकली ऐसी तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरी नहीं कि आप इसको समझ नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपने देखी नहीं होगी, डेफिनेटली स्पाई यू नो मूवीज शोज और सीरीज़ में यही होता है। पर इसमें जो ट्विस्ट और लेयर जो ऐड है वो ऐड हो रखी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि उसमें कोई हद नहीं। एक तो पहली बात, लॉयड जो वो अपने आप में बहुत ही तगड़ा ओवर पावर्ड सा स्पाई है, उसके मूव्स और उसके भेस बदलने की एबिलिटी बहुत तगड़ी है। अब इसमें जो वो बच्ची को अडॉप्ट करता है उसका नाम होता है आन्या, वो ऑर्फनेज से उस बच्ची को अडॉप्ट करता है। अब इस बच्ची के पास साइकिक पावर्स है, दिमाग पढ़ सकती है। ठीक है, तो जब वो अडॉप्ट कर रहा होता है तब आनिया उसको दिमाग पढ़ के सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दे देती है और ये बड़ा चौकन्ना हो जाता है, उसको लगता है कि बच्ची बहुत सही है, टेक्निकली वो दिमाग पढ़ रही होती है। अब आनिया का क्या है कि आनिया बताना नहीं चाहती कि उसके पास साइकिक पावर्स हैं, नहीं तो उसको लगता है कि यू नो लॉयड विल लीव हर, बेसिकली लॉयड विल लीव हर। फिर उसके बाद इनकी मॉम मतलब लॉयड एक योर करके लड़की से शादी करता है ऑन जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ताकि वो यू नो दिखा सके कि लाइक ही हैज़ अ वाइफ ऑल्सो, वो दोनों कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, अब योर जो है योर ट्रेंड असैसिन है वो लॉयड को नहीं पता, और आनिया जो है उसके पास साइकिक पावर है उसको ये पता है कि उसकी मॉम ट्रेंड असैसिन है और उसके जो डैड हैं वो स्पाई हैं। तो इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना पूरी की पूरी स्टोरी इसके अंदर कि उसकी कोई हद नहीं है, एंड एनिमेशन इसमें इतनी इन्होंने खूबसूरत करी है, दैट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। एंड कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है सारे के सारे लोगों का, लॉयड को बहुत हैंडसम दिखाया है, योर को भी बहुत सुंदर दिखाया है, एंड आनिया इज सो क्यूट। एंड आनिया की जो एक्टिंग है और जो उसकी यू नो वॉइस ओवर है इंग्लिश में भी जापानीज में भी, दैट इज सो गुड मैन। बेसिकली इस एनीमे का जो वर्ल्ड है वो आई थिंक 18-19 सेंचुरी के अराउंड का ही है, जिसमें टेलीफोन लाइंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, कार्स हैं, ट्रेन्स हैं, बट नॉट लाइक इट इज़ नॉट हाई टेक लाइक हमारे ज़माने जैसे।
तो सारी कहानी इसके अंदर चल रही है, एंड पूरा मिशन यही है कि यू नो दे हैव टू टीच आन्या, एंड आन्या को टेक्निकली सब पता है, एंड अभी सेकंड पार्ट भी आया जिसके अंदर इनके पास एक डॉग आ गया है और उस डॉग के पास फ्यूचर देखने की शक्ति है। तो दिस इज फ्रिकिंग माइंड ब्लोइंग, दिस शो इज सो माइंड ब्लोइंग। तो बेसिकली ये शो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस शो को देखो, बहुत ही तगड़ा शो है। मुझे भी लग रहा था एमी पर बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही क्यूट शो है, एंड आप लिटरली इन्वेस्टेड रहते हो कि यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्योंकि इतने सारे लेयर्स और इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर बहुत यूनिक है और हर एक कैरेक्टर अपने आप में ओवर पावर्ड है। तो गाइज डू वॉच दिस शो, दिस शो इज़ अमेजिंग, दिस शो इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल अमेजिंग। तो यार गाइज दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक माई रिकमेंडेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो, एंड सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, यो टेक केयर, पीस।